बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? मैं अभी सुबह की नमाज़ पढ़कर ये अपने फाजलपुर के पीछे वाली साइड पर ये खेतों और बाग की तरफ आया हुआ हूँ, जैसे मैंने आपको वीडियो दी दिखाई थी। और इसके बावजूद मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि नमाज के साथ और बग़ैर दवाई के आप कैसे किस अपना जो भी बीमारी हो वो कैसे ठीक हो सकती है बग़ैर दवाई के। मैं आपको अभी बताना चाहूँगा कि आप बग़ैर दवाई के ना सिर्फ एक ही मैं आपको इलाज बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और आसान है। उसमें कोई मेहनत, कोई पैसा, कुछ भी नहीं लगता। सिर्फ मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि आपने नमाज लाजमी पढ़नी है, और उसके बाद जो मैं आपको बताना चाहूँ वो आपने लाजमी करना है। ये मैं आपको अभी अभी बताऊँगा, जिसके बावजूद ये देखें यहाँ पर सर सब्ज़े की तरफ मैं भी आया हुआ हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम जाते हैं अपने टॉपिक की तारीफ अपनी टॉपिक की तरफ। अगर आप जो भी बीमारी है आप उससे बचना चाहते हैं तो उसका एक वाहिद इलाज है, आप ना सुबह शाम वॉक कीजिए। अगर आपको जो भी बीमारी हो, अगर आपको बीमारी नहीं भी है ना, तो आप वॉक करें, आपका जिस्म फिट रहेगा और उसमें कोई बीमारी और पैदा नहीं होगी। वॉक ना करने से इंसान के जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की तादाद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप ग्रीन टी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होगा। जो लोग चाय पीते हैं वो चाय छोड़ दें, हाँ चाय पीना चाहते हैं तो सिर्फ़ एक टाइम ही पिएं। ये जो आजकल के माहौल में आ गया है कि चाय 3 टाइम लाजमी पीनी है, और हर घर में यकीनन कुछ होंगे ऐसे जो नहीं पीते होंगे। मैं यकीनन कह रहा हूँ कि हर घर में 3 टाइम चाय ज़रूर बनती है, और आप उसकी बजाय अगर आपको चाय पीनी भी है तो आप 2 टाइम पी लें पहले चाय, 1 टाइम ग्रीन टी का बना लें। अगर आप ऐसा ऐसा करते जाएंगे तो आप इंशाल्लाह चाय को भी रद्द कर देंगे और सिर्फ ग्रीन टी पीएंगे, और आप सिर्फ ओनली वॉक करें, इंशाल्लाह आपको वॉक में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कोई मेडिसिन, कोई चीज़, कोई इस्तेमाल ना करें बग़ैर दवा के। बहुत ही अच्छा इलाज है कि आप अपना वाक करें और उसके साथ नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह ताला को याद करें। इंशाल्लाह आपको कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी, और मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरे दिल को खुशी होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो मैं आपकी बनाऊँगा और आपको इंशाल्लाह उसमें भी रहनुमाई होगी। अल्लाह।